दोस्तों, इंग्लैंड और भारत के बीच पहला टेस्ट मुकाबला हैदराबाद में हुआ था और क्या कुछ रंग में आए थे स्पिनर्स, हमने ये देख लिया था उस पूरे टेस्ट मुकाबले में। भारतीय बल्लेबाजों की नाकामी देखने को यहाँ पर मिली पहले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के स्पिनर्स के खिलाफ। इवन अगर आप बात करें पहले पारी में जब इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रही थी तो काफ़ी ज़्यादा टर्न भी देखने को मिला था उस पिच पर पहले दिन से ही, और लगातार सबके मन में यही क्वेश्चन रहता है कि भारत में कोई टीम आती है ओवरसीज़ भारत में खेल ले तो हम टर्निंग पिचेस बनाएंगे और कितना टर्न मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। सबके मन में, हर एक बल्लेबाज के मन में जो भी भारत टूर करने आता है भारत में खेलने आता है, सबके मन में एक सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि भारतीय मैनेजमेंट रैंक टर्नर बनाएगी, क्या ये पिच रैंक टर्नर होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, जो दूसरा टेस्ट मुकाबला होगा वाइजैक का, उसमें भी ये कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि उस पिच पर भी पहले दिन से ही टर्न देखने को मिल जाएगा। और जो कि लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं और सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें भी काफ़ी हद तक यही पता लग रहा है कि जो पिच है उसके ऊपर जो ब्राउनिश इम्पैक्ट छोड़ा हुआ है वो है स्पिनर्स के लिए, और स्पिनर्स को पहले दिन से ही उस पर मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। पर लेकिन जो पूर्व बल्लेबाज हैं भारत के आकाश चोपड़ा, उनका तो कुछ और ही कहना है पूरे तरीके से। उन्होंने एक चीज़ बोली है जो कि लोग हवाला देते हैं भारतीय पिचों के बारे में बात करते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे अगर रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, इवन अक्षर पटेल, कुलदीप यादव ऐसी पिचों पर उतर जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा जो पिचर टर्नर टर्न करेंगे उन पिचों पर उतर जाएंगे तो सामने वाली टीम को टिकने नहीं देंगे। तो इसी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए यहाँ पर आकाश चोपड़ा ने बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि ये चीज़ तो अपने मन से हटा ही दो कि वी नीड टर्निंग पिचेस, हमें टर्निंग पिचेस की ज़रूरत है। अगर आपके बल्लेबाजों का फॉर्म पुअर है, और जो कि है भी, पहले टेस्ट मुकाबले में देख ही लिया था बल्लेबाजों की नाकामी को पूरे तरीके से, कि स्पिन को खेलने में कितना स्ट्रगल कर रहे थे इंग्लैंड के स्पिनर्स को भारतीय बल्लेबाज। उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ी बात कह दी है दोस्तों कि अगर आपकी फॉर्म बेकार है तो उनके स्पिनर्स भी उतने ही कारगर होंगे जितने आपके स्पिनर्स कारगर हों। ये सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी बात कह दी है आकाश चोपड़ा ने। उन्होंने कहा, क्या हुआ अगर ऐसी पिच पर जो है स्पिनर्स की लाइन ठीक नहीं है इंग्लैंड की, और अगर आप ऐसे रैंक टर्नर पिचेस बनाएंगे या वैसे पिचेस बनाएंगे जिसमें ज़्यादा टर्न हुआ तो जो रूट भी मुथैया मुरलीधरन बन जाएंगे ऐसी पिच पर। और साथ ही साथ अगर आप बात करें टॉम हार्टली की, वो भी बिशन सिंह बेदी जैसी गेंदबाजी करते हुए नज़र आएंगे अगर आपने ऐसी पिचेस बना दी, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी लाइन और लेंथ से अगर वो ठीक होंगे या नहीं होंगी। अगर आप रैंक टर्नर बनाएंगे तो अपने आप को खुद जाल में अपने खुद ही आप फंसाएंगे, और जो बाकी गेंदबाज हैं अगर उनकी लाइन ठीक भी नहीं होगी तब भी वो टप्पे पढ़कर गेंद को इतना टर्न कराएंगे कि आपसे वो सहा नहीं जाएगा और साथ ही साथ आपसे वो खेली भी नहीं जाएंगी। और साथ ही साथ उन्होंने कुलदीप यादव को भी दोस्तों बैक करा है दूसरे टेस्ट मैच के लिए, यानी कि उन्होंने कहा है कि कुलदीप यादव को अगर आप खिलाते हैं तो एक नई चीज जो है, एक नया चैलेंज लेके आएंगे कुलदीप यादव इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से कुलदीप यादव जो है अपनी रिस्ट स्पिन करते हैं और जिस हिसाब से वो गेंदबाजी करते हैं तो एक नया रूप से चैलेंज लेके आ सकते हैं इंग्लिश यानी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए, जिनको आदत सी हो गई है पहले टेस्ट मुकाबले से ही अश्विन, जडेजा या अक्षर को फेस करने में। तो कुलदीप यादव कुछ डिफरेंट लेके आ सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके से अपने स्पिन के जाल में फंसा सकते हैं इंग्लिश बल्लेबाजों को। अपनी राय दोस्तों इस बयान के बारे में आकाश चोपड़ा के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, स्पेशली जो उन्होंने कहा कुलदीप यादव के बारे में, क्या उनको खेलना चाहिए दूसरा टेस्ट मैच या नहीं, इसके बारे में भी। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।